बेशरम रंग, लेकिन रंग तो भगवा है। आखिर बॉलीवुड ने अपनी औकात फिर से दिखाई दी। पता नहीं भगवे रंग से बॉलीवुड कितना परेशानी क्या है। अब परेशानी तो है, ये तो हमें आज जब से बॉलीवुड की शुरुआत हुई तब से जो है भगवा से हिंदुत्व से बॉलीवुड को परेशानी रहा ही है। अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है तो बेशरम रंग तो अपना दिखा रहे हैं, लेकिन रंग लगाया गया है भगवा का। तो पिछले दिनों जो है पठान का टीज़र आता है, टीज़र को अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है उनके फैंस द्वारा, जो कि उनके नकली फैंस जो अंधाधुन उसको सपोर्ट करते हैं। और उसका बॉयकॉट ट्रेंड तो हो ही रहा है पिछले कुछ दिनों से कि पठान को बॉयकॉट किया जाए। और वहीं जो है एक दो दिन पहले जो है पठान का पहला जो सॉन्ग है वो आता है कि बेशरम रंग। बेशरम रंग का तो पता नहीं, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, जो इनके जो पहनावट है, जिस जहाँ मीम बना के कहा जा रहा है कि भाई इनके कपड़े में तुम्हारी सोच छोटी है। ठीक है भाई, हमारी सोच इतनी भी बड़ी हमें नहीं चाहिए कि जो है अर्धनग्न की जगह पूरा नग्न अवस्था में किसी को दिखा दिया जाए। हमारी सोच इतनी बड़ी कभी ना हो भाई। और ये जब सीन्स दिखा के, ये सब सॉन्ग्स दिखा के, ये जो सीन्स दिखा के आप जो है ना आजकल के जो निब्बे निब्बियाँ हैं छोटे चीज़ों में जो है किसी को भी वायरल कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की नचनियाँ हो या कोई भी हो, ऐसे लोग जो कि छोटे छोटे चीज़ों को वायरल कर देते हैं, आजकल के जो निब्बे निब्बे हैं उनको जो है अट्रैक्ट ऐसे किया जा सकता है। लेकिन जो आजकल के उभरती हुई युवा पीढ़ी है जिन्हें जो अपने सच्चे इतिहास और गौरवशाली जो इतिहास है बॉलीवुड की सच्चाई पता चल रही है, राजनीतिक दल में क्या हो रहा है वो सब आज के जो युवा पीढ़ी जो जानकारी रखते हैं वो अच्छे तरह से जानते हैं कि बॉलीवुड जो है नंगा हो चुका है सच में। ये जो तो सिर्फ एक गाना है, लेकिन असली में जो है बॉलीवुड असल में नंगा हो चुका है, बॉलीवुड की सच्चाई सबके सामने बाहर आ चुकी है। तो ऐसे ऐसे गाने बना के पता नहीं किस ऑडियंस को ये लोग अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। एक दो दिन पहले मुझे गाने का नोटिफिकेशन आता है, मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे बॉलीवुड से इतनी नफरत ऑटोमेटिक क्यों हो गई, बल्कि ये अच्छा करे तो ही मुझे पता नहीं बॉलीवुड से पसंद ही नहीं है। और सबसे पहले तो बैक स्टोरी बताता हूँ, 2011 में जब फिल्म आती है रावण, उस समय मेरे फेवरेट हीरो कौन थे, शाहरुख खान थे भैया, शाहरुख खान। और पता नहीं उस समय मुझे दीपिका भी ठीक ठाक ही लगती थी, लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया है कि इन लोगों को मैं देखता हूँ, इनके सॉन्ग्स आते हैं तो मुझे पसंद ही नहीं आता भाई। क्योंकि बॉलीवुड से जो अंधा पर्दा जो हमने हमारे सामने आया हुआ था वो जब हटता है ना तो एकदम से झटका लगता है आपको, और आप उनसे नफरत करने लगते हो कि हमें किस झूठ में रखा गया था, कि सच्चाई क्या है और हम समझते क्या थे। तो जब गाने का नोटिफिकेशन आया तो मैंने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि ऐसे भी है वो दीपिका की जो हरकतें हैं और बाकी जो इनका जो शो ऑफ किया जा रहा है, स्किन शो ऑफ किया जा रहा है, क्या कहा जाए इसको, सेमी न्यूड कहा जाए, क्या क्या कहते हैं इसको पता नहीं मेरे को। तो ऐसे जो हरकतें किया जा रहा है जिसको टीज़र से ही देख के नोटिस कर लिया गया था, तो इसको देखने के लिए भला कौन जाएगा। लेकिन मैं देखता हूँ तो दो चार लोग इस पर वीडियो बना रहे हैं, इस पर वायरल मीम बनाए जा रहे हैं कि गाना ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम भी कहते हैं कि भैया हमने भी देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है गाने में, ऐसी क्या बात है। अगर सच कहा जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे भगवा रंग का इस्तेमाल करके बेशरम रंग तो मत जोड़ो भाई। हाँ, और दीपिका से क्या उम्मीद कर सकते हैं, इनके पति देव तो पहले ही अलग लेवल के फोटोशूट में आ चुके हैं। इनको तो मैं कहता हूँ एडल्ट फिल्म में ही डायरेक्ट काम करना चाहिए, ऐसे जगह आपके शौक है तो आप उसको पूरे करो ना यार, क्या मतलब है कि आधा आधा शो आप स्क्रीन शो ऑफ कर रहे हो। आप गहराइया फिल्म में तो दिखा ही था इनका जो अलग ही लेवल का जो वो कंटेंट है, वो माइंड सेट है, और इसमें तो और खुल के आ रहा है। तो देखते हैं कि इसके फिल्म का बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ तक जाता है। और क्या आपको ये सॉन्ग देख चुके हो भाई? सबसे पहले मैं बताऊँ कि ये सॉन्ग को अभी तक जाके देखा नहीं हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस सॉन्ग से लेकर इस फिल्म से लेकर मुझे भी कुछ कहना था। लोग कहेंगे सॉन्ग को देखा ही नहीं है और सॉन्ग पे वीडियो बना दिया, तो भाई मेरी हिम्मत नहीं है उसको जाके देखने की, आप ही देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्या कहना है उस सॉन्ग के बारे में। लेकिन पोस्टर देख के, मीम्स देख के तो समझ में आ गया कि किस लेवल का वो जो सॉन्ग होगा। तो आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके बताइएगा।